जय गुरु बाबा। प्रवचन नंबर 101। क्षुदार प्रहपणी कांच सिकंद शिखी तथा गिरिसुता सिंधोपि नागाननम गौरी जन्म सुताम वसूयति कलाम दोषोललाटानुल निर्विन्मय सपब कुटुंब कलहा दीशोपि हालाहलम। घर की लड़ाई से तंग आकर जहर का प्याला पी लिया। ऐसी खोटी किस्मत कहते फिर भी प्राण नहीं गए। एक पुत्र एक बेटा है, कैसे त्रिलोकी को जीत लेने वाला। और मनमस उसका नाम है काम, पर दुर्निवारा बड़ा वनवास है, रोके नहीं रुकता। विष्णु जी भी रोके तो रुकता नहीं। शंकर के कैलाश में पहुंच ही गया, अंत में शंकर की क्रोध अग्नि में भस्म होना पड़ा। अकलौता बेटा तो वो भी मर गया बेचारा। एका भारजा, एक ही औरत है, प्रकृति चपल है, स्वभाव से ही चपल है, चंचला जिसको लक्ष्मी कहते हैं। दूसरी कहते वो मिली है, लड़का भी खराब और औरत भी चंचल है। और शेष है शैया, सोने को मिला सांप शेष, जरा सा कहीं दब जाए तो काट खाए। और स्वगृह मुद धू, अपना घर कहाँ कहने उद दी समुद्र में, पानी में किसका घर हो तो वो क्या सुख से रह सकता है। वाहनम पन्नगारी, वाहन कौन है कहने पन्नगारी गरुड़, जरा सा कहीं गुस्सा आंख में आके चोंच मार दे तो मामला ही बिगड़ जाए। सुमारम सुमारम स्वगृह चरितम, अपने घर का जो है ना चरित्र स्थिति, उसको स्मरण करते हुए दारू भूतो मरारी। जो विष्णु जी है वो कहने सूख के लकड़ी हो गए बेचारे, ना विश्वास हो गए तो जान की जगन्नाथ में जाके कहते दर्शन कर लो। भगवान राम ने अपनी सच्ची माता कचेरी की सहायता से राष्ट्र की सेवा के लिए राज्य लक्ष्मी को ठुकरा दिया। लोग कचेरी को बुरा मानते हैं, कचेरी बुरी नहीं थी। कचेरी के साथ प्रभु राम का परामर्श था, मां तू सच्ची माता, तू मेरे लिए लोगों का अभिजा सहन करेगी, पर राष्ट्र सेवा के लिए अपने पुत्र को तू जरूर उन राक्षसों से लड़ने के लिए भेज देगी। मेरी सभी माँ में भी ये शक्ति। कचेरी ने कोई इस लक्ष्य से, हम कचेरी कहते उस लक्ष्य से नहीं, कचेरी में बल्कि सदगुणवती कचेरी ऐसे आजकल बड़े आर्टिकल निकल रहे हैं कि सच्ची माता कचेरी थी जिसने अपने पुत्र को स्वयं अकीर्ति का भाजन होकर भी राष्ट्र सेवा के लिए एक रास्ता खोल दिया। राजा को बड़ा मोह था, वो राम को छोड़ नहीं सकता था। इस बात का पता कब चला, जब कचेरी और भरत सब रानियों के साथ दशरथ की मृत्यु के बाद लुटाएंगे, तब रामचंद्र जी को कचेरी की एकांत में बात की, उस समय ये बात खुली। बात ही तो पहले हो चुकी थी पर ये ओपन नहीं हुई, सीक्रेट थी। तो अंत में भगवान राम बलि से, सुग्रीव से संधि की, बलि से लड़े। कारण क्या था कि इसमें भी राष्ट्र का हित, जैसे कुछ लोग राष्ट्रद्रोही विदेशियों से मिल जाया करते हैं, जैसे जयचंद मिल गया था अलाउद्दीन खिलजी से,
और लखनऊ के नवाब का स्वेटर मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। इस तरह बलि ने रावण से संधि कर ली और रावण को स्वतंत्रता हो गई आगे बढ़ने की, वाली को दे दिया, दोनों की संधि होगी। अगर वाली पर आक्रमण किया जाए तो रावण पर समझ आ जाए, रावण पर आक्रमण किया जाए तो वाली पर समझ आ जाए। इसलिए प्रभु ने युद्ध की शक्ल नहीं दी, नीति से वाली को छिपकर मारा। छिपकर मारने का भी बड़ा रहस्य है कि राष्ट्रद्रोही का तो मुख देखना भी पाप, इसलिए प्रभु ने उसका मुख भी नहीं देखा। अब आगे जब लंका में गए, रावण को जीत लिया, जो हमारी इंडियन नीति है, हम दंड देते हैं परंतु अन्यायी के ही राज्य पर हमने कभी अधिकार नहीं। रावण लंका को जीत लिया पर लंका उसी के भाई के स्पुर्द कर दी। भगवान कृष्ण ने भी ऐसा कंस को जीता, राज्य को उसके पिता उग्रसेन को दिया, शिशुपाल को मारा उसके पुत्र को वहां राजा बनाया, जरासंध को मारा वहां जरासंध का लड़का ही नियुक्त किया। ये हमारी प्राणी भारतीय संस्कृति है। अब भीष्म कहने लगा, महाराज क्या आप ठगनी है, एक सप्ताह के लिए मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। लक्ष्मण भी लगे पक्ष प्लीड करने, उस समय कहा, जननी जनी भूमि से स्वर्गादपि दिव्य, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, अपि सुवर्णमयी लंका नय में लक्ष्मण रोचे। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे अच्छी मिला। तो प्रभु राम एक क्षण भर भी वहां नहीं टिके, अपनी मातृभूमि अयोध्या की गलियों में आकर अपने से मिले। इस प्रकार हमारे जितने भी रामायण महाभारत आदि हैं सब हमें राष्ट्रभक्ति का उपदेश दे रहे हैं। और हमारा वेद तो एक आध मंत्र नहीं, 106 सूक्त भक्ति से ही भरा हुआ है। और लोकतंत्र शासन जो आजकल ये लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सब सभा और समिति के नाम से हमारे अथर्व वेद में पहले ही लिख दी गई है। अथर्व वेद कांड 7 सूक्त 12 वहां लिखा, तब आच समिति श्यावताम प्रजापतेर द्वितर हो संविधान। अवधक न कहते हुए ऐसी जो अमूल्य संपत्ति हमारे वेदों में भरी हुई है, केवल वेदों की उपेक्षा के कारण ये सब हमारी विद्या लुप्त हो गई। आज हम एक बहुत बड़े कोष के मालिक होते हुए भी निर्धन हो रहे हैं। हमें ये बदनाम किया जाता है कि ये राष्ट्रभक्ति भी इन्होंने विदेशियों से सीखी। जिस विद्या को भी हम आजकल सीखते हैं लोग कहते हैं ये तो विदेशियों की देन है, पर ये विदेशियों की देन नहीं, ये तो हमारे वेदों को, वेदों से उन्होंने वो विद्या ली कि उन्होंने वेदों का आदर किया, हमने वेद की उपेक्षा की, इसका परिणाम हुआ कि हमारे देश की सब विद्याएं लुप्त हो गई। इसलिए अभी भी समय है, अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, अगर अभी भी हम अपने वेद को विधि पूर्वक उसका स्वाध्याय करें तो बहुत से जैसे सागर में गोते लगाने से रत्न हाथ लगते हैं, इस तरह के रत्न हमारे हाथ लग सकते हैं। हरिओम तत्सत ओम पूर्णमदाय पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करारा वेद Thank you.